जयपुर में यातायात को सुगम बनाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कई अहम निर्देश दिए हैं। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में यातायात प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें श्री राज पुरोहित ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को 20 दिसंबर तक नॉर्दर्न रिंग रोड के लिए भूमि आवाप्ति की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, उन्होंने 200 फीट बाईपास से 14 नंबर पुलिया तक सड़क और सर्विस लेन की नवीनीकरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने NHI के अधिकारियों को 200 फीट अजमेर रोड चौराहों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने के प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देशित किया। बैठक में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि अतिक्रमण वाले इलाकों में पहले समझाइश की जाए और फिर एक सप्ताह पूर्व सूचना देकर सभी संबंधित विभागों का संयुक्त दस्ता अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान के तहत कार्यवाही को अंजाम दे। बैठक में 14 नंबर पुलिया सीकर रोड पर अंडरपास बनाने, ब्लैक स्पॉट के निवारण, स्पीड लिमिट साइनेज बोर्ड लगाने, महत्वपूर्ण चौराहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या पर चर्चा की गई। साथ ही इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस की समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहम्मद अबू बकर सहित यातायात पुलिस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।